नमस्कार दोस्तों, ये मैं हूँ और मेरे पीछे है गाज़ियाबाद की पूरी धरती, पावन धरती। और मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ अपनी छत से, और क्योंकि लाइट नहीं आ रही है नीचे और अभी इन्वर्टर की वहाँ पर इस तरह नहीं है। तो आज की जो खबर है वो बड़ी खबर ये है दोस्तों कि जो DCPCR दिल्ली कमिश्नर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उसने नोट लिया है इस बात का कि प्राइवेट स्कूल दिल्ली के बच्चों को ज़बरदस्ती बुला रहे हैं ऑफलाइन क्लास के लिए, जबकि बिना पेरेंट्स की सहमति के बच्चों को बुलाया नहीं जा सकता। तो जो DCPCR है उसने दिल्ली सरकार को तलब किया है कि भाई क्या चल रहा है, जबकि पेरेंट्स की परमिशन नहीं है तो बच्चों को स्कूल में क्यों बुलाया जा रहा है, जबकि कोविड का खतरा भी गया नहीं है। तो दोस्तों उसके जवाब में जो NCT है, मतलब दिल्ली सरकार, उसने कहा कि हमने पेरेंट्स की कंसेंट से ही बच्चों को बुलाया, बिना पेरेंट्स की कंसेंट के बच्चों को नहीं बुलाया जा सकता है। और यही बात आपको पता होगा, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि बिना पेरेंट्स की सहमति के स्कूल बच्चों को नहीं बुला सकते हैं। अब वो भगवान जाने कि बच्चे अपनी मतलब पेरेंट्स अपनी मर्जी से बच्चों को भेज रहे हैं या स्कूल किसी चालाकी से धोखेबाजी से बच्चों को स्कूल बुला रहे हैं। तो उम्मीद जग गई है कि कम से कम दिल्ली में तो शायद ऑफलाइन एग्ज़ाम ना हो पाएँ, क्योंकि अब जब DCPCR एक्टिवेट हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी बॉडी है और एक्शन ले सकती है इसके खिलाफ। तो देखते हैं स्कूल क्या करते हैं आगे। तो अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एग्ज़ाम जानकारी। और अनुभा श्रीवास्तव मैम से मैं लगातार सुबह से कोशिश कर रहा हूँ बात करने की, तो आज वो लखनऊ में है। उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि वो लखनऊ में है और वो मुझे कॉल बैक करेंगी, उसके बाद हमें पता चलेगा कि PIL करने का क्या प्रोसेस है और किस तरह करनी है, क्योंकि कोई भी पेरेंट अभी तक सामने नहीं आया PIL करने के लिए। तो जो बच्चे मुझ पर नाराज़ हो रहे हैं, वो सोच लीजिए कि जब तक आपके पेरेंट्स नहीं आगे आएंगे मैं आपके लिए PIL नहीं कर सकता हूँ लीगली। तो प्लीज़ इस बात को समझिए कि आपके पेरेंट्स ही PIL कर सकते हैं। तो जिसके पेरेंट्स PIL कर सकते हो प्लीज़ फाइल कर दीजिए या कमेंट कर दीजिए कि भैया मेरे पेरेंट्स करने को तैयार हैं, अपना नंबर लिख दीजिए, आई विल कॉल। थैंक यू वेरी मच।